हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल क्विक सपोर्ट में। आज के इस वीडियो में हम आपको सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताने वाले हैं। जब एक कस्टमर किसी दुकान या ऑनलाइन वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके बदले में उस प्रोडक्ट की कंपनी कस्टमर को जरूरत के समय सेवा प्रदान करने का वादा करती है। ये सेवा किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे प्रोडक्ट के खराब होने पर उसे मरम्मत करना, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए गाइड करना, या कभी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते वक्त कोई दिक्कत आई तो उसे सरलता से संभालना। ये सारे काम सर्विस प्रोवाइडर का होता है। उसी तरह जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तब इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइडर हमें अलग अलग तरह से सेवा प्रदान करते हैं। इंटरनेट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे पास एक ISP का एक्सेस होना जरूरी है जो हमें इंटरनेट प्रदान करता है। हम सभी को अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए किसी ना किसी नेटवर्क प्रोवाइडर की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम अपने फोन में इंटरनेट चलाने के लिए आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो आदि में से किसी एक सिम का उपयोग करते हैं। हम जिस कंपनी के सिम का उपयोग कर इंटरनेट चलाते हैं वही कंपनी हमारा ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। पूरी दुनिया में 17 तरह के सर्विस प्रोवाइडर मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पर आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि ISP क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जानेंगे ISP क्या है। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हिंदी में अंतरजाल सेवा प्रदाता भी कहा जाता है। ISP एक ऐसी संस्था या कंपनी को कहते हैं जो लोगों और छोटे बड़े सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेट की सुविधा देने का काम करते हैं। चाहे हम घर पर हों, ऑफिस में हों या सफर कर रहे हों, हर बार जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तब इंटरनेट के साथ हमारे डिवाइस का कनेक्शन एक ISP के माध्यम से जुड़ता है। एक ISP इंटरनेट पर यूजर के लिए गेटवे यानी प्रवेश द्वार प्रदान करता है। ISP इंटरनेट के साथ साथ कई अन्य सर्विसेज भी प्रदान करते हैं, जैसे वेब पेज होस्टिंग, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, मेल सर्विसेज, फाइल ट्रांसफर इत्यादि। किसी अन्य कंपनी की तरह ही इंटरनेट सेवा प्रदाता अपनी सेवाओं के लिए यूजर से पैसे लेते हैं। ISP यूजर से दो प्रकार का शुल्क लेती है, पहला इंटरनेट प्रदान करने के लिए और दूसरा इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए, जैसे कि ब्रॉडबैंड। यूजर्स को इंटरनेट कनेक्शन लेने और इंटरनेट प्रयोग करने का शुल्क ISP को देना पड़ता है। ये शुल्क भी यूजर से समयावधि, दूरी, गति और डेटा डाउनलोड या अपलोड की मात्रा के अनुसार लिया जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। मॉडेम, डायल अप इंटरनेट एक्सेस, DSL, केबल इंटरनेट, वायरलेस ब्रॉडबैंड, वाईफाई इंटरनेट, ईथरनेट जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लोगों तक इंटरनेट पहुंचाया जाता है। इन सभी टेक्नोलॉजी का उपयोग ISPs अपने यूजर के डिमांड के अनुसार करते हैं। जैसे कि छोटे या कम एरिया के अंदर इंटरनेट की सेवा प्रदान करने के लिए ISPs DSL, केबल मोड और वाईफाई इंटरनेट की मदद लेते हैं, जिन्हें बड़े पैमाने या बिजनेस के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ISPs उन्हें ईथरनेट, मेट्रोपॉलिटन ईथरनेट और फ्रेम रिले जैसे माध्यम से इंटरनेट प्रदान करते हैं। ये ISP हैं जो यूजर्स को इंटरनेट का इस्तेमाल करने के सक्षम बनाते हैं। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है जिसके साथ मॉडेम या नेटवर्किंग के लिए एक रूटर लगा हुआ है, लेकिन अगर आपका नेटवर्क ISP के साथ कनेक्ट नहीं है तो आपके डिवाइस के साथ इंटरनेट से कनेक्शन नहीं होगा। इसीलिए किसी भी माध्यम को ISP के साथ कनेक्ट होकर रहना ही पड़ेगा, तभी इंटरनेट प्रदान किया जा सकता है। और अब हम जानेंगे कि ISP को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिन्हें Tier 1, Tier 2 और Tier 3 कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं Tier 1 के बारे में। Tier 1 ISP। Tier 1 ISP अन्य ISP की तुलना में सबसे बड़ी ISP कंपनी होती है, जो विभिन्न देशों को इंटरनेट से जोड़ने का कार्य करती है। ये कंपनियां समुद्र के अंदर सी लिंक केबल बिछाकर सभी देशों के बीच इंटरनेट प्रदान करने का कार्य करती है। इंटरनेट यूजर इंटरनेट का इस्तेमाल करने का जो भुगतान भरता है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा इस Tier 1 कंपनी को जाता है। दूसरा है Tier 2 ISP। Tier 2 ISP कंपनी Tier 1 की तुलना में छोटी कंपनी होती है। जब Tier 1 कंपनी इंटरनेट का कनेक्शन समुद्र के जरिए देश तक लाती है तब Tier 2 कंपनी उस इंटरनेट कनेक्शन को देश के विभिन्न राज्यों और शहरों तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसका मतलब है कि Tier 1 कंपनी अलग अलग देशों तक इंटरनेट पहुंचाने का कार्य करती है और Tier 2 कंपनी देश के राज्यों तक इंटरनेट पहुंचाने का कार्य करती है। तीसरा है Tier 3 ISP। ये सबसे छोटा ISP होता है जो शहर के अंदर ब्लॉक, कॉलोनी और घरों तक इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। Tier 3 ISP कंपनी Tier 2 ISP से कनेक्शन लेकर घरों तक इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करते हैं। और अब हम जानेंगे कि ISP काम कैसे करता है।
इंटरनेट की सबसे खास बात यह है कि इसका मालिक कोई नहीं है। इंटरनेट छोटे बड़े बहुत सारे नेटवर्क का ग्लोबल कलेक्शन है, जहां पर सभी नेटवर्क किसी न किसी तरीके से एक साथ जुड़े हुए होते हैं, और यही नेटवर्क्स दुनिया भर के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। सभी कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े रहते हैं वो इस नेटवर्क का एक हिस्सा बन जाते हैं। असल में इंटरनेट एक बहुत बड़ा जाल होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का, जिसे कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसमिशन मीडिया बोला जाता है। ये जाल एक वायर होता है जिसमें इंफॉर्मेशन और डेटा दुनिया भर में घूमता रहता है। दुनिया के कोने कोने तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के लिए बहुत से हाई बैंडविड्थ डेटा लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इंटरनेट का बैकबोन भी कहा जाता है। इन लाइंस को कनेक्ट किया जाता है अलग अलग लोकेशन में मौजूद मेजर इंटरनेट हब्स के साथ, और यही हब्स डेटा को अलग अलग लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन इंटरनेट हब्स को ही ISP कहा जाता है। ज्यादातर ISPs एक केबल, DSL या फाइबर कनेक्शन के जरिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करते हैं। जैसे अगर आपके घर में कंप्यूटर के साथ रूटर लगा हुआ है इंटरनेट की सेवा प्रदान करने के लिए, तो वो रूटर भी एक ISP के साथ कनेक्ट होकर ही इंटरनेट प्रदान करता है। आपके ऑफिस में आपका कंप्यूटर कंपनी के वाईफाई से जुड़ा है, तब भी आपकी कंपनी का किसी न किसी ISP के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब ही इंटरनेट की सेवा आपको मिल रही होती है। उसी तरह जब आप एक पब्लिक वाईफाई सिग्नल के माध्यम से इंटरनेट यूज करते हैं, तब वहां पर भी वाईफाई रूटर एक ISP के साथ कनेक्टेड होता है आपको इंटरनेट प्रदान करने के लिए। सेल्यूलर डेटा टावर्स भी किसी न किसी ISP से जुड़ा होता है स्मार्टफोन्स में नेटवर्क के जरिए इंटरनेट प्रदान करने के लिए। आज के समय में अधिकतर ISP कंपनियां केबल द्वारा लोगों तक इंटरनेट पहुंचाते हैं, वहीं अब कुछ कंपनियां धीरे धीरे वायरलेस इंटरनेट सर्विस की भी शुरुआत कर चुके हैं। ISP वायर्ड मीडियम के अलावा वायरलेस नेटवर्किंग सिस्टम से भी इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। पहले जब केबल सिस्टम द्वारा लोगों को इंटरनेट की सेवा प्रदान की जाती थी, तो इसके लिए नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी को पूरे एरिया में वायर बिछाने पड़ते थे, लेकिन वायरलेस मीडियम की शुरुआत होने के बाद सिर्फ टावर और सैटेलाइट की मदद से लोगों तक इंटरनेट पहुंचाया। ISP की मदद से आज दुनिया के हर कोने में हर व्यक्ति तक इंटरनेट की पहुंच बन सकी है। आज टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने की वजह से ISP कंपनियों के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से आम लोगों को इंटरनेट की सेवा काफी सस्ते दामों में मिल रही है। एक तरह से इन्हीं ISP कंपनियों ने ही पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ रखा है, जिनकी वजह से हम घर बैठे ही सारी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं और दूर तक रह रहे दोस्तों और परिवार वालों से जुड़ पाते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो से ISP क्या है और ये कैसे काम करता है इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे वीडियोस के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए, अभी दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी हमारे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।